갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가. Hi guys, welcome back to the channel. And आज मैं अपना ये जो टंगस्टन का स्टेरियो लेके आए थे एंड्रॉइड वाला, इसको लेके आ चुका हूँ नैनो के अंदर. आज बस इसको करना इंस्टॉल. बट इससे सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना तो देखो एक बड़ी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. बट जैसे कि आप सबको पता ही है, नैनो में यहाँ पे एक सिंगल डिन का स्लॉट आता है. सो वी नीड अ फ्रेम. सो फॉर दैट आई बॉट द बोलेरो का फ्रेम, जो कि शायद मैंने आपको पहले दिखाया है, नहीं दिखाया, आई डोंट नो. सो ये है गाइस बोलेरो का फ्रेम. दिस इज अ सिंगल डिन टू 9 इंच स्टीरियो कन्वर्जन. सो पहले इसको इंस्टॉल करने का देखना है कि ये आराम से लग रहा है या नहीं लग रहा है. इसके बाद इस फ्रेम पे स्टीरियो को इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसमें जो स्क्रूज हैं यहाँ पीछे से लगते हैं, आगे से नहीं लगते. आगे से स्टीरियो लगाना है, पीछे से स्क्रूज लगाने हैं. स्क्रूज भी साथ में नहीं आते हैं, आपको अरेंज करने पड़ेंगे. और एक स्पेसिफिक टाइप का ही स्क्रूज में लग रहा है, वो मैं दिखाता हूँ. मुझे बड़ी मुश्किल दो ही मिले हैं घर में, एंड बाकी हार्डवेयर स्टोर पे वाला स्क्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे मिलेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा यार. बड़ी पुअर संकट वाली सिचुएशन है. तो पहले इस फ्रेम को लेते हैं, लगा के देखते हैं अपने स्लॉट पे, एंड उसके बाद डब्बा खोलते हैं टंगस्टन का, एंड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. हाय, अभी भी दिख रहा हूँ मैं. सो ये है गाइस स्टीरियो, एंड थोड़ी सी अभी लाइट बाहर कम है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुबह सुबह आया हुआ हूँ. अभी 7 भी नहीं बजे सुबह के, नीड टू बी समवेयर, जाना है कहीं पर. सो उसी लिए मैं चल पहले थोड़ा सा स्टीरियो कर लेते हैं एंड फिर मज़े लेंगे. सो देखो इसका आप शेप देख रहे हो, ऊपर का जो एरिया है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली टू नीचे. इसका जो स्टीरियो की शेप होती है ना, ये भी कुछ इसी तरीके से होती है. सो ये आपको इसी तरीके से यहाँ पे फिट करना है, जस्ट लाइक दैट. भाई साहब ये तो यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है. मुझे लगा था कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये इसके अंदर घुसेगी, बट ये इससे भी हल्की सी बड़ी है. सो अगर ये यहाँ पे किसी तरीके से बैठ जाएगा ना, तो ये वैसे ही बहुत टाइट हो जाएगा. अब ये नोटिस करो, ये इस साइड पर लगाया, ये इस साइड पर लगाया, ये खासा तो देखो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इट इज़ गोना बी अल्ट्रा टाइट, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है यहाँ पे. लेकिन एक बार ये लग गया तो सही निकलेगा नहीं, ये भी एक बात है. निकल भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा यू नो जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, जान निकालनी पड़ेगी. बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग आने वाली है इस हिसाब से. तो ये देखो, जैसे ये यहाँ पे इस साइड बिठा दिया मैंने, इस साइड भी ऑलमोस्ट वाली सिचुएशन है, नॉट कम्प्लीट वाली सिचुएशन. सो ये भी ट्राई करता हूँ पिचका पुचकू के, देखते हैं कैसा रखता है. काफ़ी ध्यान से यार यहाँ पे देखा है मैंने, तो ये तो किसी भी हाल में यहाँ पे फिट नहीं होने वाला. तो इसको यहाँ तो दो, एक ऑप्शन मैंने सोचा है, इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि यहाँ से आप नोटिस करो ये लाइन ये ऐसे जा रही है. सो ऊपर का एरिया पतला है, नीचे का एरिया मोटा है. सो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस की काफ़ी कमी है. दैट इज़ घोर संकट वाली बड़ी सिचुएशन. सो एक चीज़ मैंने सोची है, अगर ग्राइंडर से इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब करूँ ग्राइंडर से, तो इसका कुछ अगर एक एक दो दो तीन तीन एमएम यहाँ से छिल जाए, सेम विद द अदर साइड, तो शायद बाय चांस ये फिट हो जाए. अगर एक बार हो गया तो देखो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन बात वही है कि इसको फिट करना है. सो एक बार ग्राइंडर से थोड़ा सा घिसता हूँ उसको, एंड देखते हैं. फ्रेम वैसे तो सॉलिड है, होपफुली टूटे ना, टूट गया तो बर्बाद हो जाएंगे. इसको नहीं लगा पाएंगे फिर. सो ये सिचुएशन अच्छी तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटी ऐसे बन नहीं रही. लेकिन ये लगने के बाद कुछ ऐसे आएगा, इसे थोड़ा सा अंदर की साइड पे. मुझे लगा था ये छोटा होना चाहिए था पीछे का एरिया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है, और नैनो में बोलेरो के फ्रेम से ही लगता है, क्योंकि नैनो के लिए डायरेक्ट फ्रेम बनाया ही नहीं है पता नहीं किसी भी कंपनी ने. आई रियली हैव नो आइडिया व्हाई, मे बी सेल की काफ़ी कमी रहती होगी इसलिए. चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ से किसके. ऑलराइट, सो दिस इज आर्ट. इधर से भी घिसा है. अब कितना घिसा है ये तो पता नहीं, वहाँ पे लगा के फिर चेक करते हैं. और ये अपना आर्टिस्ट है ना, बढ़िया काम करता था. सॉरी, कुछ फर्क ना पड़ा अभी तो. बहुत झीलना पड़ेगा भाई साहब इसको तो. ऑलराइट, सो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड इट इज स्टिल नॉट वेरी नाइस, क्योंकि ये अपने जो ये क्लैम्प्स है इसके ऊपर चढ़ने चाहिए जैसे कि वो पक्का होगा. लेकिन अभी भी इट इज सॉलिड, क्योंकि साइडों से थोड़ा सा बड़ा है, एंड थोड़ा और छोटा करूंगा तो पीसेस खत्म हो जाएंगे वहां पर. तो एक बार ऐसे लगा के देख लेता हूँ इसे, इनकेस फिट हो गया तो ठीक है. और एक बार आपको ये अनबॉक्सिंग करके फिर से दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें. सो हमें सबसे मेन चीज तो इसके अंदर यही मिलती है, जो स्टीरियो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है. एंड इसमें वायरिंग का मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें जो मेन वायरिंग है, मेन वायरिंग तो इसमें साथ नहीं आती. दैट इज मुझे लगा था कि आनी चाहिए, इसमें दिया तो हुआ है ये डब्बा, और इसमें दूसरी वायरिंग्स हैं जैसे RCA का हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, बट जो मेन गाड़ी के साथ अटैच होनी है ना, जो पावर केबल है और जो स्पीकर केबल है, वो नहीं आती, वो इस फ्रेम के साथ आई है. फ्रेम इज सेपरेट, दैट इज सो वियर्ड. सो ये है अपना स्टेरियो, इसे रखते हैं साइड में, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी वायरिंग भी निकाल लेते हैं जितनी का चाहिए हमें, जितनी की क्या मैं सोचा हूँ सारी लगा दूँ. देयर वी गो.
इसके अंदर बात कुछ आता है इसके अंदर, एक तो ये है जो RCAs हैं सारे के सारे अलग अलग तरह के, देन दिस इज द GPS मॉड्यूल, देन एक ये USB है, देन ये एक और USB है इधर, कहाँ गया ये, दो USB हैं लेकिन दोनों की वायरिंग अलग अलग है, एंड ये एक ये वायर, देन ये है अपना माइक, माइक लगेगा इसी के साथ। सो अगर स्टीरियो की वायरिंग के बारे में बात करें जो कि मेन प्लग है यहाँ पे, इसके बाद कुछ कनेक्टर्स आए हुए थे जो कि मैंने यहाँ पे हटा दिए हैं क्योंकि जो मेरी वायरिंग यहाँ पर है वो वाले जो कनेक्टर्स है मैं चाह के भी यूज़ नहीं कर सकता, सो मैंने सो कुछ ऐसा कर दिया। सो मेन गाइस इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी स्टोरी होती ही नहीं है, लेकिन हाँ करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे। सो जैसे कि ये जो मेन चार वायर्स हैं यहाँ पे, रेड, येलो, ब्लैक एंड ऑरेंज, ये आपको गाड़ी के कनेक्टर के साथ ही मिल जाएंगे एंड सेम कलर की रहने वाली हैं, तो दे आर ऑल कलर कोडेड। एंड बाकी इसमें से चार वायर मुझे अभी पता नहीं है, जब तक मैं स्टीरियो को ऑन नहीं कर लेता। एक बाकी बता देता हूँ, ये पर्पल और ग्रीन वायर्स आपको दिख रही हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं स्पीकर की, रियर स्पीकर्स की, एंड जो ये ग्रे एंड वाइट है ये फ्रंट स्पीकर्स की होती है। तो बाकी बचती हैं चार, एक पिंक, एक वाइट, एक ब्लू और एक ब्राउन। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है ब्राउन आई थिंक हैंड ब्रेक से रिलेटेड वायर है, जो कि नैनो के अंदर वायरिंग ही नहीं है, वो फिर लेनी पड़ेगी, तो इसको शायद इसमें नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इसमें देना होता। बाकी को जब मैं खुद देख लूँगा, यूज़ कर लूँगा तब बताऊँगा कि ये वाला इसमें मैंने यूज़ में एक्चुअली स्टोरी में सबसे बुरी बात मुझे लगी कि वायरिंग डायग्राम कुछ भी नहीं आया साथ में, सो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग ऑन द टंगस्टन साइड। वायरिंग डायग्राम आना चाहिए था। अभी चार वायर्स का मैं थोड़ा सा भी डाइसी है, जब तक एक बार ऑन करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सो पहले ज़रा बस इसको यहाँ पे जोड़ लूँ एंड फिर बस स्टीरियो पर वायरिंग, एक इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, बट यहाँ वाले के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। सो यही आया मेरे पास सामान, एंड यहाँ पे GPS लग गया एंड माइक लग गया इस पर्टिकुलर पोर्ट में। सो या बस यही है, एंड जो अपना वायरिंग ये वाली मैंने इंस्टॉल की थी वो लगनी है यहाँ पे। किस्सा ख़त्म, पहले फ्रेम के साथ से जोड़ लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो फ्रेम मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है, माइक और GPS को अंदर से निकाल दिया क्योंकि उनकी तारें लंबी हैं, बाकी सारी तारें जो हैं ये भी साइड में लटकने वाली है, और ये पावर कनेक्टर कनेक्ट होगा इधर इधर एंड ये फिट हो जाएगा। लेट्स सी पीपल, सो ये कुछ इस तरह से फंसा है अभी, इट इज़ नॉट प्रॉपरली फिक्स्ड बट इट इज़ फंसा हुआ। सो एक बारी ज़रा मैंने वायरिंग तो लगा ही दिया है, सो होपफुली इट विल टर्न जस्ट नाइसली ऑन, लेट्स सी क्या होता है। इग्निशन मैंने ऑन कर दिया है, लेट्स सी इधर कुछ आता है या नहीं, लेट्स सी, लेट्स वेट इट आउट। एंड वायरिंग तो प्रॉपरली सेट कर दिया था मैंने इसका जितना लगाना था। यूजुअली स्टेरियोस में होता है पहला बूट बटन से होता है, बट इसके अंदर कोई फिजिकल बटन तो नहीं है, ऑल टच कैपेसिटिव बटन्स, एंड अभी तक तो कुछ आया नहीं। सो देखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। तोते कबूतर सारे उड़ गए थे, बाद में पता चला कि भाई साहब ये वाला जो फ्यूज़ है ये उड़ा हुआ है। सो अब दोबारा मैंने इसे रिप्लेस किए, एंड अब ज़रा स्टार्ट करके देखते हैं। सो यहाँ रखते हैं, हियर वी गो इन 3, 2, 1, एक्सेसरीज ऑन एंड लेट्स सी। आ गया टंगस्टन ड्राइव विद बूम, डिस्प्ले तो अच्छा लग रहा है यार। सो लेट्स सी, अभी दो स्पीकर्स कनेक्टेड हैं एंड एम्बर में भी कुछ डला नहीं हुआ। लेट्स सी बूट ऑन एंड्रॉयड, बस एक यहाँ पे ना मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ड्यू टू माय हाइट, एंड जबकि नॉर्मल स्पेस वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इशू है वो है ये, इट इज़ हिटिंग माय नी। सो ये तो यहाँ पे आ गया अपना स्टेरियो, दैट इज़ सो कूल। सो अभी मैं जैसे यहाँ पे स्टेयरिंग है, इधर तो स्टेयरिंग आ गया, तो मैं ना यहाँ साइड से ही समझ लो अपनी लेग को मूव करता था, एज आई एम प्रीटी टॉल, आई एम 6 feet 4 inches, तो क्लच ऑपरेट करने में मुझे यहाँ पे आ रही है दिक्कत। सो ये एक काफ़ी बड़ा इशू है, इट इज़ हिटिंग दिस दिस वे एंड यहाँ पे स्टेयरिंग। सो ये लेग का प्रॉब्लम है, अगर ये AMT होती तो कोई इशू ही नहीं था, लेकिन वैसे तो डेफिनेटली इशू है। सो ज़रा से चला के देखें, फील स्मूथ एक्चुअली यार। कुछ प्ले करें है कुछ, इसमें है कार सेटिंग्स के रीजन वगैरह से, ये सब मैं ज़रा सेटिंग चेंज करता हूँ उसकी, फिर आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने काफ़ी सेटिंग वेटिंग देख ली, अभी ये एंड्रॉयड ऑटो पे है, वो भी वायरलेस इसी फोन से कनेक्टेड है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड मत इसके अंदर ऐसा नहीं कि पूरा ही 100% फोन मेरा रो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैप, म्यूजिक, कॉल एंड व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप नोटिस करना बस इतनी सी चैट्स आ रही हैं, सारी नहीं आ रही, जबकि मेरी हज़ारों चैट्स पता नहीं ओपन हो रखी हैं। देन इस बटन को यहाँ पे नीचे करोगे तो ये आपका काइंड ऑफ मेन्यू आ जाएगा। देन इसमें भी सारी ऐप्स नहीं है मेरे ख्याल से, शायद वो फोन से एक्टिवेट करनी पड़ती हैं, आई डोंट नो, मैं एक्चुअली एंड्रॉयड ऑटो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ आज। सो ये सब कुछ यहाँ पे ऐप्स आ गई हैं, बट नॉट ऑल, सो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अच्छा चल रहा है। एंड डिसेंट स्पीड है इसकी, डिसेंट स्पीड है, नॉट लाइक द एक्सपेंसिव फास्ट वन, बट इट इज़ स्टिल वेरी 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 डिसेंट। एंड यहाँ से अगर इधर
शिफ्ट हो जाए डायरेक्ट, तो ये आ जाता है आराम से। अभी ये जी अभी जो अगर एंड्रॉइड ऑटो के साथ अब यूज कर रहे हो ना, तो आपको फोन का लोकेशन ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपना जीपीएस यूज करता है। सो वो भी ट्राई करें। सो यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन देखा था मैंने, आई थिंक इसी में से आएगा एग्जिट, इसको दबा देते हैं एग्जिट। सो एंड्रॉइड ऑटो से बाहर निकलते हैं, देन फिर इसका मैप एक बार ओपन करके देखते हैं। सो हुआ नहीं क्या, टैप अप हुआ है। सो एग्जिट तो फटाफट कर दिया इसने। सो मैप्स, अब ये जो मैप मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसी के हैं डायरेक्टली इनबिल्ट। सो मैंने अपने फ़ोन की लोकेशन ऑफ कर दी है, तो देखते हैं इसका जीपीएस अभी यहाँ ऊपर ही पड़ा। जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, लेकिन इसने बोला जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, पर इसके अंदर अपना जीपीएस तो है, तो आई डोंट थिंक सो कि अच्छा ये तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ना, सो इसलिए फ़ोन का तो इसने ऐसे ही बोल दिया। यहाँ पे ऑन तो नहीं करना, नहीं हाँ इसको वाईफाई तो ऑन करना पड़ेगा, और मुझे अपना हॉटस्पॉट ऑन करना। अगर फिर से ट्राई करते हैं, मेरे फ़ोन का वाईफाई ऑन था और ब्लूटूथ ऑन था, तो बार बार ना वो एप्पल कार प्ले के सॉरी एप्पल कार प्ले कर रहा हूँ एंड्रॉइड ऑटो के लिए कनेक्शन के लिए बार बार स्विच कर रहा था। सो अभी मैंने ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ऑफ किए, हॉटस्पॉट चालू है। सो हियर वी गो, लेट्स सी अब बंद होता है या नहीं होता, होना नहीं चाहिए अब, एंड अब इसको कनेक्शन भी मिल जाना चाहिए एसोस एग्जैक्ट का। That is strange, इधर इसने लिस्ट ही नहीं किया, बट हाँ जो भी है इसने ऑटोमेटिकली अपना जैसे ये बार बार जेड लिंक खुल रहा ना, सो ये चीज़ है वो एंड्रॉइड ऑटो के लिए ही जा रहा है बार बार। सो ये देखो आप, मैप खुल गया था जैसे इसको वाईफाई मिला था, मेन इसको वाईफाई चाहिए। Right, so अभी तक के guys first impressions with this tungsten stereo are actually pretty nice and Android Auto actually works really well and but सब पसे की पूरी problem आ रही है कि इस side steering अड़ रहा है, उस side stereo अड़ रहा है, जो मेरी knee है उसका जो movement है clutch के साथ वो बहुत ही ज़्यादा restricted हो रहा है। तो मैंने try किया था गाड़ी चलाने का एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सही से नहीं चला पा रहा था गाड़ी। सो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं कहीं जा रहा था तो मैंने स्टीरियो को उतार के साइड में रख दिया जिससे कि मैं गाड़ी को सही से चला सकूं। सो अब मॉडिफिकेशन के बारे में अगर मैं सोचूं, एक चीज़ अगर मेरे माइंड में आ रही है कि अगर जो एसी कंट्रोल्स हैं, जो रेगुलेटर वाले फैन के बटन या फिर जो थर्मोस्टेट के जो यूनिट है, वो अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए और स्टीरियो ऊपर की साइड लग जाए तो भैया सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट इट इज अ लॉन्ग शॉट, इट जस्ट अ थॉट। जब तक एक बार खोल खाल नहीं लेते डैशबोर्ड को एंड उसके बाद देखते हैं कि वो चीज़ पॉसिबल है भी कि नहीं, एंड है तो कितनी मॉडिफिकेशन की उसमें रिक्वायर्ड है। सो वो एक काफी लंबे वाली सिचुएशन है। सो उसको छोड़ते हैं अभी एंड इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टीरियो के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना होगा, आपको एक स्टीरियो पसंद आया होगा ऐसा कुछ स्टीरियो, तो मुझे बताना इन द कॉमेंट सेक्शन। आई कैन अरेंज दिस पर्टिकुलर स्टीरियो फॉर यू एंड रिव्यू विल डेफिनेटली फॉलो। एंड अभी तो मजे ले रहे हूँ इसके साथ आपको नहीं दिखा देता हूँ एक बार क्लोजअप में एंड फिर आप वीडियो को एंड करते हैं। ये नोटिस करो, यहाँ पे आ गया स्टीयरिंग, यहाँ पे आ गया स्टीरियो। अब मैं क्लच भैया को दबाऊं तो दबाऊं कैसे, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे लिए। बाकी अगर ये चीज यहाँ लग जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट देखो क्या होता है। So guys, we'll meet in the next video and I hope you guys like this installment of the car Android Stereo in the Tata Nano. बहुत ही कम नैनोस हैं जिनके अंदर Android Stereo लगा हुआ है एंड ये एक्चुअली उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये काम किया था। वैसे तो मैं जा रहा था कोई इसी प्राइस रेंज के कोई ब्रांडेड जो Pioneer, JVC या Sony का सिंगलटन है एंड उसके अंदर डेफिनेटली आउटपुट से ज्यादा बेटर मिलता है, बट इसमें जो दूसरे फीचर्स है वो उसमें नहीं मिलते। चलो गाइस, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग दिस और एनी अदर स्टफ रहेगा तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।